नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं आज की मुद्दे की ओर, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की चुनावी संग्राम की। जी हां, मध्य प्रदेश और खंडवा और तीन विधानसभा उपचुनाव में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है और दोनों ही दलों में अपने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। ज्यों ज्यों चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है त्यों त्यों नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। इसी के साथ दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पंथाना की चुनावी सभा में जहां कमलनाथ ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को डायरेक्टर और एक्टर बता दिया तो वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव ने भी यहां पर जुबानी बयान दिए हैं और ऐसे में उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी को बुढ़िया और स्मृति ईरानी को डोकरी बताया। दोनों के विवादित बयानों के बाद भाजपा हमलावर हो गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर जमकर व्यंग बाण चलाए। सीएम शिवराज ने कहा कि मोदी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का दिल्ली से भोपाल तक सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं भाजपा नेत्रियों ने पर बयान को अभद्र बताते हुए कहा कि वह कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सीएम शिवराज ने जनता के विकास को मुद्दा बनाया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इन बयानों को लेकर अरुण यादव पर तीखा हमला किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अरुण यादव के बयानों में उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। बुजुर्ग कमलनाथ को वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और प्रियंका गांधी से भी कम उम्र की स्मृति ईरानी पर विवाद बयान दे रहे हैं, तो यहाँ पर नेताओं की जुबान लगातार बेलगाम होती जा रही है। ऐसे में आज का मुद्दा यही कि बेलगाम हो रही है जुबान। आइए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। रोजगार मिलेगा याद है, और जब किसानों को 50% नफा होगा, क्या क्या बातें नहीं कही, 15 लाख रुपए, ये सब बातें कही मोदी जी ने। एक तो है एक्टर, कौन, शिवराज जी, और दूसरे हैं डायरेक्टर। तो ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी आप पहचान लीजिए, बड़ी अच्छी डायरेक्शन कर सकते हैं। महंगाई डायल खाचा धीरे रुक तो जा रहा राजू भाई, आप 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद आएगी तुमको, कई बात दोगरी हुई क्या आप? हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। कांग्रेस का हाल देख लीजिए, उनके नेता आए थे कहीं कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान एक्टर एक्टर, अब मेरी सकल सूरत आपको सलमान खान जैसी लगती है, मुझे कह रहे एक्टर और मोदी जी का डायरेक्टर वाले कमलनाथ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टर है जिनके नेतृत्व में देश जब आगे चल पड़ा तो कांग्रेस का दिल्ली से लेकर भोपाल तक सुपड़ा साफ हो गया। और एक और नेता कह रहे थे हमारे सम्मानित नेताओं को, बोले डुकरिया हो गए, अरे डुकरा डुकरिया चुनाव का मुद्दा है क्या भैया बताओ, अरे चुनाव का मुद्दा एक्टर डायरेक्टर डुकरा डुकरिया ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा होता है जनता की सेवा। और आज चले जा रहे हैं बाकी तक चारों तरफ शानदार सड़कें अगर बनाई जाए अरुण भैया आप भी क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तरह कभी आइटम कभी टंचमाल बोलेंगे? अब क्या है, दरअसल पीड़ा है अरुण यादव जी, अब 75 वर्षीय कमलनाथ जी को तो वो कह नहीं पा रहे कुछ, इसलिए प्रियंका बहन से छोटी उम्र में श्रद्धेय स्मृति ईरानी के बारे में ये शब्द बोले। अरुण भाई, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, आपका दर्द भी समझता हूं, पर दर्द की अभिव्यक्ति ऐसे मत करो। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर पैनल पर तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस तरफ से योगेश यादव जी, साथ ही बीजेपी तरफ से हमारे साथ राकेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ यहां पर रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है पहले तो पैनल पर। रवि अवस्थी जी, यहां पर समझना चाहूंगी मैं आपसे कि 28 उपचुनाव में हमने देखा था, 28 विधानसभा उपचुनाव में, कि वहां पर भी पूरा चुनाव जो है वो बयानों में समझ कर रह गया था कि जवान जुबान जो है नेताओं की वो फिसल रही थी। ऐसे में इसमें भी अब वही हो रहा है, यहाँ पर बुढ़िया बोल रहे हैं, कहीं अप्सरा बोल रहे हैं, नेता जो है लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नेताओं पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुद्दों की बात कोई नहीं हो रही है। बिल्कुल
सुनिया जी, अभी तो 5 दिन और बचे हैं, अभी आप आगे देखेंगे, देखिए क्योंकि उपचुनाव पिछले उपचुनाव बता रहे हैं कि भाई इस बार भी उपचुनाव में किस तरह के बोल सामने आने हैं, और शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ जी ने, अरुण यादव ने शुरुआत की, उसके बाद कमलनाथ ने हालांकि बहुत शब्द भाषा में एक्टर और डायरेक्टर बोला, लेकिन अरुण यादव की का जो बयान है वो कहीं ना बिल्कुल उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमारे यहाँ एक टिप्पणी उन्होंने की है, हालांकि अरुण यादव की अपनी खुद की अलग पीड़ा है और वो उस पीड़ा के चलते जो है वो मंच को लूट ले जाना चाहते थे, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए उन्होंने वो बयान किया। जी योगेश यादव जी, क्या कुछ कहेंगे ये इन बयानों से, क्या कहेंगे? यहाँ पर शुरुआत कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने ही की थी यहाँ पर बयानों से, इसकी यहाँ पर देखे जाए तो, उसके बाद अरुण यादव का बयान सामने आया है, तो ये बयान कहाँ तक मर्यादित है इस चुनाव की सभा में? देखिए अनन्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बुनियादी मुद्दे जब कम होने लगते हैं तो इस तरीके की बयानबाजी को पकड़ लिया जाता है। अब मैं शिवराज सिंह जी को ये कहूंगा कि वो डायरेक्टर और एक्टर के चक्कर में ना पड़ते हुए बुनियादी जो आवश्यकता है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश जो एक डायलिसिस पर जा रहा है, उन मूल मुद्दों पर बात करें। अब इस तरीके के बयानबाजी का कोई राजनीति में अस्तित्व होता नहीं है, और ये बयानों को मैं बहुत मर्यादित भी नहीं मानता, ये भी इस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ये हास्य की फुलझड़ियां हैं, तो ये तो हर दलों में चलता है, संसद में भी चला करती हैं ऐसी हास्य की फुलझड़ियां, तो इसका कोई बहुत गंभीर माने नहीं निकाला जाना चाहिए। सवाल उठता है कि आज बुनियादी बातें क्या, आज किसानों से किए गए वादों का क्या, आज जनता के बीच में कोरोना या अतिवृष्टि से दिए गए जो बहुत सारे जुमले थे शिवराज सिंह जी ने परोसे थे, उन पर मुद्दों पर बात करें। मैं बोलता हूं कि अच्छा नेता तो मैं उसको मानूंगा कि जो इन बातों पर क्रिया पर प्रतिक्रिया ना देते हुए अपने मूल बातों पर बात करें। आज कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है, हमारा वादा है, हमने बिजली जो कमलनाथ जी की सरकार ने कहा था कि हम 100 रुपए में बिजली देंगे, हम बिजली वापस 100 रुपए में करेंगे, हम किसानों को दिए गए ऋण माफ से 27 लाख तक हुए थे उसको हम आगे निरंतर बना के रखेंगे। जहां तक ये छोटे मोटे हाथ फरियाद है तो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं जाना चाहिए, और ना ही इनको राजनीति में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति की एक सुचिता होती है, राजनीति का एक चलन होता है, और प्रजातंत्र के इसको मैं बहुत अच्छे संकेत नहीं मानता हूं। और मैं निश्चित ही कहूंगा कि अब अरुण यादव जी ने किस भावना से किस बोध से कहा था, जैसे मालवा और निमाड़ में डोगरी शब्द एक प्रचलित शब्द है, सम्मान के लिए माता को भी बोला जाता है, तो निमाड़ी भाषा में मेरी जानकारी मालवी भाषा में एक माता को सम्मान के लिए उसको आधा उसका अर्थ का अनर्थ निकाल कर उसी पर बहस करना, और उस तो फिर योगेश यादव जी अप्सरा शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने हेमा मालिनी के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि वो एक उनको ड्रीम गर्ल का खिताब है जिसको पूरे देश में आपके मीडिया की तरफ से मान्यता है ड्रीम गर्ल के रूप में, इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति कोई असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। बाकी जब जब आप सरकार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, तो आपको इस पर टिप्पणी करने के बजाय आप क्या करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहते हैं, आप खुद पीछे लग गए साहब कि मुझे डायरेक्टर कह रहे हैं तो मुझे एक्टर कह रहे हैं। भाई आप दूसरा, आप सरकार हैं, आप सरकार के लेवल से बात करें, सरकार की गरिमा से बात करें, आप कहाँ उलझ रहे हैं इन चीजों पर। राकेश शर्मा जी, यहाँ पर अगर कांग्रेस कुछ बयान दे रही है तो उस पर पलटवार करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों शुरू कर रही है भाजपा भी? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मुद्दों पे बात करिए ना। अब यहाँ पर एक्टर डायरेक्टर बोलेंगे शिवराज जी, तो बात यही है ना कि चुनावी चुनाव पर वही बयानों पर अटक के रह जाएगा, मुद्दों की बात कब करेंगे आप? देखिए अनन्या जी, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आपका जो चैनल है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ भी सभा होती है, वो लाइव दिखाई जाती है। जो सभा जब लाइव दिखाई जाती है, पूरे 43 मिनट का भाषण आप सुनिए, 43 मिनट के भाषण में 40 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और वो सरकार जो काम कर रही है जनता के लिए, जो काम कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। और मेरा तो ये निवेदन है कि अगर कांग्रेस के नेता इन शब्दों को बड़ा सम्मान नहीं मानते और जवाब नहीं देना चाहिए, तो मेरा ये कहना है ना, अभी इनने कहा कि निमाड़ में बुजुर्ग माँ को डोकरी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी सबसे बड़ी डोकरी है इस देश की, बड़ा सम्मान का शब्द है डोकरी शब्द, तो सोनिया गांधी पर इस्तेमाल किया जाए। और आज से अब हर चैनल पर हम डोकरी शब्द का उपयोग करेंगे और कहेंगे कि योगेश यादव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
जो सेवा दल में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, कांग्रेस में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनने कहा है कि डोकरी शब्द सम्मान्य शब्द होता है, तो आज से हम सोनिया गांधी डोकरी शब्द यूज करेंगे, इसमें ये सहमत है क्या? मेरा एक निवेदन है कि मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के नेताओं का उसी दिन से निकला हुआ जिस दिन से मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई है। अरुण यादव जी की तो समस्या ये है, अपने आप ही चैनल पे मैंने कई डिबेटों में इस बात का जिक्र किया है कि जिस दिन से उनका टिकट कटा है अरुण यादव जी का, उस दिन से मंच पे वो कभी खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो फसल बोता हूँ, काट के कोई और ले जाता है, मेरे सीने पे कोई तीर मारता है वो कांग्रेस का नेता निकलता है, मेरे पीठ में छुरा मारता है वो कांग्रेस का निकलता है। राकेश शर्मा जी, एक बात ये भी है कि अगर हम 28 विधानसभा उपचुनाव को देखें, पिछली बार जो हिस्ट्री रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि भाजपा शब्द पकड़ने में बड़ी तेज है, मुद्दा नहीं पकड़ रही लेकिन शब्द जरूर पकड़ रही है। देखिए मैं तो आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये डिबेट आपका चैनल करवा रहे हैं अनन्या जी, और आप उस विषय पे डिबेट कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको फोन नहीं। राकेश शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है कि यहाँ पे मुद्दों की बात अगर शिवराज जी कर रहे हैं कि शिवराज जी मुद्दों को लेके बीच में आएगी, भाजपा जो है मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, तो अभी फिलहाल किन मुद्दों पे फिलहाल भाजपा काम कर रही है? देखिए मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हो रहा है, और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के काम और शिवराज सिंह चौहान जी का नाम, इसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। आप ये देखिए ना, मैंने जी कल ही कम से कम 10 चैनलों पर इस बात पर डिबेट हुई है कि कर्मचारियों को 8% दिए क्यों दे दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने, और उनको 50% वेतन वृद्धि क्यों दे दी, इस पर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही। मतलब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के चेहरे पर अगर खुशी आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, वो रुदाली का रोल अदा करती हुई रो रही है। हम तो कर्मचारियों के हित में भी काम कर रहे हैं, हम जनता के हित में भी काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपके चैनल पे डिबेट हुई थी कि आदिवासी जो हम बंधु हैं, बनबंधु, उनके घर तक अनाज हमारी सरकार पहुंचाएगी, साध्यान्न उनके घर तक पहुंचाएगी, उस पर भी कांग्रेस को तकलीफ थी। कन्या पूजन करें तो माना जाए कि यहाँ पे जो उपलब्धियां हैं सरकार की, जो योजनाएं हैं उसको लेकर, आगे जो विकास कार्य है उनको लेकर भाजपा मैदान में जा रही है। चलिए रवि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि इस वक्त चुनाव में, चलिए देखिए कांग्रेस जो बोल रही है, भाजपा जो बोल रही है, इस वक्त चुनाव किस ओर जा रहा है, क्योंकि अंतिम तौर है चुनाव में प्रचार का। मैंने जी चुनाव प्रचार समाप्त है, और निश्चित तौर पर अभी 5 जैसा की 5 दिन बचे हैं, स्टार प्रचारकों की तूफानी जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। आज जिला विजय रवि जी है, सभा ले रहे, नरेंद्र तोमर सभा लेने आए हैं, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं, अन्य नेता भी जो सक्रिय है। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी हैं, और भी नेता और कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय है। तो स्वाभाविक तौर पर अपनी अपने बात कहने का, अपनी उपलब्धियां बताने का, अपने कार्यकाल का, कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाना चाह रही है। हालांकि बहुत कुछ कांग्रेस के पास बता रहे मुझे लगता नहीं जो है, फिर भी जो योजनाएं जो कांग्रेस ने, कमलनाथ सरकार ने तैयार की थी, उनका ब्यौरा दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने का हर दोनों ही राजनीतिक दल अथक प्रयास कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो इस पूरे चुनाव में आया है, खास करके अगर खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए, क्योंकि 8 विधानसभाओं वाला क्षेत्र है ये, तो आदिवासियों का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको देखते हुए देखिए भाजपा ने जो अपने स्ट्रेटजी चेंज करी है, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से जो लगातार वो आदिवासी वर्ग पर फोकस किए हुए हैं, उनके उनसे जुड़े कार्यक्रम, उनसे जुड़ी योजनाएं वो तैयार कर रहे हैं आने वाले अभी, बल्कि न केवल उपचुनाव बल्कि उसने तो आगामी आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, और 15 नवंबर को जो जनजाति गौरव दिवस से इसका आगाज होने वाला है प्रधानमंत्री के आने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी दोनों ही दलों की तरफ से है, और खास करके जो मध्य प्रदेश में जो 84 आदिवासी विधानसभा सीट है, जो एक सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो इस उपचुनाव में भी फोकस लगभग वही है। अनन्या जी, योगेश यादव जी, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि डोकरी शब्द जो बोला है वो तो सोनिया गांधी को भी उन्होंने संबोधित किया शब्द से, साथ ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कांग्रेस रोना गाना कर रही है, बोल रहे हैं कि अगर डोकरी शब्द इतना सम्मानीय है तो वो सोनिया गांधी भी डोकरी है। देखिए मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं कांग्रेस का जनजात सिपाही हूँ, फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ, मातृशक्ति कोई भी हो हमें मातृशक्ति का मान करना चाहिए, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे आदरणीय हेमा मालिनी जी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी, कोशिश करके हमें राजनीति में इन बातों से बचना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बुनियादी मुद्दों पर बात की है,
और मात्र शक्ति के रूप में इंदिरा जी ने इस देश को परिवर्तित किया है और इंदिरा जी ने इस देश को नए भारत में एक सुदृढ़ भारत के रूप में स्थापित किया है। मेरी मान्यता है कि मुख्यमंत्री जी भी एक क्रिया की प्रतिक्रिया में ना पड़ते हुए इस बात का जवाब दे कि अतिवृष्टि का वो किसानों का कब कर रहे हैं। अभी राकेश भाई कह रहे थे, मेरे विद्वान प्रवक्ता अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अभी कर्मचारियों का वो दिया बोनस, उसमें हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो आपने चुनाव आचार संहिता का दुरुपयोग किया, दूसरी बात आपने किसानों को भी ऊंट के मुंह में जीरा दिया। यदि आप देखा जाए तो आपने बिजली के आपने ये जो आपने कर्मचारियों को दिया वो भी ऊंट के मुंह में जीरा दिया, क्योंकि बिजली का जो आपको कर्मचारियों को आपको जुलाई से देना था वो आपने अक्टूबर से लागू कर रहे हैं। योगेश यादव जी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, अगर यहाँ पे मुद्दों की बात कर रहे हैं